हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शिवपुरी जिला मुख्यालय पर भाजपा ने बीच चौराहे पर खेत धरना देकर प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध किया। किसानों को महंगी खाद मिलने पर जमकर कोसा। मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि पूरे प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग और अवैध खनन जमकर हो रहा है। इन कामों में कांग्रेस माफिया सक्रिय हो रहे हैं। यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस के नेता भी स्वयं बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसफर उद्योग और अवैध उत्खनन चरम पर है। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवा रही है। मेरी लोकसभा क्षेत्र में तीनों जिले शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में 4 महीने बाद भी पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं खुल पाया है। तीनों ही जिले में कलेक्टर 300 वर्ग फीट का कमरा देने को तैयार नहीं, जिससे आमजन को पासपोर्ट बनवाने के लिए आज भी भोपाल जाना पड़ता है। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। हमने भी तय किया है कि हम आज मुख्य पुरस्कार के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी को संकेत दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है, निश्चित तौर पर यहाँ विचार किया जाए, मध्य प्रदेश की हालत को सुधार करने के लिए प्रयास किया जाए। ये कमलनाथ जी को भी बताया जाए या उन जन को मंत्रियों को भी बताया जाए जो मंत्री लगातार नौटंकी कर रहे हैं, जनता का दबाव आता है, नाले में कूद भागते हैं। अरे भाई, नाले में कूदने से क्या काम चलेगा? आज जमीन पर काम करिए, कर्मचारियों पर आदेश करिए, जनता काम करिए, दोनों घर को घेरा किया, आप ये झाड़ू नाले में कूद करे, ये कोई मंत्री नेताओं का काम नहीं होता। नेता मंत्री का काम सांकेतक होता है, प्रशासन को सुधारने का होता है। प्रशासन के माध्यम से जमीन पर काम होना चाहिए, जनता की सुनवाई होना चाहिए। जन सामान्य परेशान हो रहा है, आवेदन लिए घूम रहे हैं, अनेक पटवारी रोजाना परेशान कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ की दूंगी मेरी सरकार इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, कर्मचारियों पर टाइट करने के लिए तैयार नहीं है। लिया और ले लेके अपना लगातार ट्रांसफर की सूचियां जारी करते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को हम ये और बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, युवा मोर्चे के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बार और बड़ा संकल्प करने वाले हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में युवा किस तरह बेरोजगार है, कितना परेशान है, जो आपने वादे किए तो बिल्कुल नहीं मिलाए हैं। जिस मध्य प्रदेश के अंदर 70% अंक लाने पर अनेकों विद्यार्थियों को छात्रावास मिलते थे, हायर एजुकेशन की पूरी शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, उस मध्य प्रदेश में उस प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। जिस मध्य प्रदेश के अंदर 70% से अधिक अंक लाने पर लैपटॉप दिया जाता था, मोबाइल दिया जाता था, आज वो मध्य प्रदेश में बताना बंद हो गए। अनेक प्रकार के ऐसे काम है जिनकी गिनती एक तरह से करूँगा तो आप यही रह जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था उससे आपने बिल्कुल भी निभाने का प्रयास नहीं किया। आपने अपने मैनोफेस्टो में कहा था कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को जो बेरोजगार है उनको 4,000 रुपये प्रतिमा भत्ता देंगे, लेकिन एक भी युवा को मैंने कहीं भी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, किसी टीवी चैनल पर भी नहीं देखा कि किसी एक युवा को मध्य प्रदेश में 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला हो। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया, कांग्रेस की हर स्थिति निकाल कर बताई, हमने कांग्रेस की सरकार की अर्थी भी निकाली, हमने सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं वहां पर पेड़ लगाकर ही बताया कि मध्य प्रदेश में इतने गड्ढे हो गए, इनको भरवाने का प्रयास कीजिए। ज्यादा दूर ले जाए तो शिवपुरी में देखें तो 1 फीट जमीन भी सुरक्षित नहीं है, हर 2 फीट 1-1.5 फीट का गड्ढा मध्य प्रदेश में और शिवपुरी में हो गया है। मित्रों, मैं जानना चाहता हूँ क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ की गूंगी भरी सरकार उसके काम पर जू भी नहीं रेंग रहा, क्या किसान कितना परेशान है? मैंने आज अखबार में पढ़ा था 500 बोरी एक कांग्रेस के नेता के घर जाते हुए प्रशासन ने पकड़े हैं। उधर कांग्रेस के लोग 500 बोरी अपने गोदाम में भरने के लिए तैयार हैं। एक 2 बीघा का किसान एक यूरिया के कट्टे के लिए पंक्तिबद्ध बैठा हुआ है और आप आदेश करते हैं कि अगर ये हलचल करे तो नख मारे जाए। आज सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो चल रहे हैं जो किसानों को सरेआम पीटा जा रहा है, उन गरीबों को मारा जा रहा है। क्या उन गरीबों ने क्या गलती की थी जो आपने लुभाने उस मैनिफेस्टो में आकर के आपको वोट दिया? आपने कहा था कि हम कर्जा भी माफ करेंगे, हम भावांतर योजना में भी पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन आपने ऐसा एक भी वचन नहीं निभाया। कमलनाथ जी, आपको सचेत करता हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चे के माध्यम से कि अगर आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के अनेकों किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तो ये मध्य प्रदेश का नौजवान आपको कुर्सी से उतारने का वादा करता है,
और हम आए दिन मध्य प्रदेश में इस प्रकार के अनेकों आंदोलन करेंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे और जनता आपको कुर्सी से नीचे उतार देगी। आए दिन हम इस प्रकार के अनेकों संकेत कर चुके हैं, हम गौ मैया कर भी बता चुके हैं, हम भेड़ बकरी चरा कर भी बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश का नौजवान कितना परेशान है। अच्छे अच्छे इंजीनियर डॉक्टर लोग फिर बहुत परेशान हो रहे हैं, वैकेंसी निकल नहीं रही, यहाँ प्रोफेसर परीक्षा दे के घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक महीने से वो लगातार कह रहे हैं कि हमारी भर्ती की वैकेंसी जो निकली है, हम एग्जाम में पास हुए हैं, हमें मुक्ति पत्र दीजिए। लेकिन आपने कितना भूचाल मचा के रखा है मध्य प्रदेश में, लगातार उसको ट्रांसफर वाला लगा के रखा है, दिन प्रतिदिन ट्रांसफर हो रहे हैं। कर्मचारियों से बात करें, कल कोई काम की बोल के आए कि हमारा नामांतरण हो रहा है, हमारा इस प्रकार के काम हो रहे हैं, वो कहते हैं कोई भरोसा नहीं करने मिलू आपको, आज जो हो गया कोई पर्याप्त है, उसको खुद भरोसा नहीं मेरी सीट पर मैं कितने दिन बैठ पाऊंगा। जो देखो सो लिस्ट लिए घूम रहा है, हमारे नजदीक के विधायक महेंद्र पूर्व विधायक ने इतनी बड़ी मशीन है कि जिले से अनेकों शिक्षकों को बाहर किया जाए। अरे भाई आपकी क्या व्यक्ति है तुमसे दुश्मन जी, शिक्षक तो साधारण सा व्यक्ति होता है लेकिन शिक्षक के साथ भी आपकी पता नहीं क्या राजनीतिक दोष है, आप शिक्षकों को लगातार ट्रांसफर करवा रहे हैं। ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए रैली निकाल रहे हैं कि भारत को बचाने के लिए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं भाइयों, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है पूरे हिंदुस्तान में गरीबों के जीवन के स्तर में सुधार आया है कि नहीं, आप स्वयं बताइए। चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति को आवास देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत के द्वारा उनके इलाज की बात हो, चाहे हमारी माताओं बहनों को गैस का चूल्हा देने की बात हो, हर तरह से केंद्र सरकार ये प्रयास कर रही है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को किस तरह से लाभ दिया जाए और उसके जीवन में खुशहाली आए। और मुझे बड़ा गर्व है कि ना तो कांग्रेस में और ना ही अन्य पार्टियों में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है और ना ही भारतीय जनता पार्टी जैसा नेतृत्व है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई ऐसे निर्णय हुए हैं भाइयों, जिनका सपना हर हिंदुस्तानी देखता आया है। 70 साल में ऐसे फैसले नहीं हुए जो इन 5.5 साल में वो सारे फैसले हुए। आज जो जो बिल संसद में पास हो रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर, हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गर्व है। चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, ऐसे कई कानून बने और कई ऐसे फैसले इस सरकार के द्वारा आए हैं जिस पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। और हर हिंदुस्तानी यही चाहता है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार आने वाले समय में भी ऐसे फैसले ले जिससे यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों के जीवन में खुशहाली आ सके। और मुझे पूरा भरोसा है भाइयों, आपके सौभाग्य से, आपके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के करीब पहुँच सका, उनको सुनने का, उनको समझने का मुझे अवसर मिला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सिर्फ हमारे लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में खुशहाली आएगी और हर गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के स्तर में सुधार आएगा, मुझे पूर्ण भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए हमेशा लड़ता रहेगा और हम आपको आपका हक जरूर दिलवाएंगे, चाहे वो खाद की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, जो आपका हक है, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं बनती है वो हर गरीब तक जरूर पहुंचनी चाहिए, चाहे वो इस चौराहे पे धरना देने की बात हो और चाहे किसी सभा में, बड़ी सभा में बात करने की बात हो, चाहे भोपाल में प्रदर्शन हो, आपकी समस्याओं के लिए आपका ये भाई, आपका ये सांसद हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। जय हिंद जय भारत। जो धरना रखा गया है भाइयों, ये धरना हम बड़ी ही पीड़ा के साथ सरकार से
हमारे किसान भाइयों की मांगों को लेकर रख रहे हो, क्योंकि भाइयों हम और आप सभी जानते हो कि पिछले 15 साल में जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था, जब तक एक किसान का बेटा माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, दिन रात उन्होंने मेहनत की और किसानों के जीवन के स्तर में कैसे सुधार लाया जाए, उन्होंने कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, क्योंकि वो स्वयं किसान के बेटे हैं, उन्हें पता था कि किसान को कब कब किस किस तरह से कैसे मदद की जाए और कब कब किसान को दिक्कत आती है। लेकिन अभी हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी है भाइयों, ना तो उन्होंने गरीबी देखी है, ना ही कभी किसानी की है, और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उन्हें किसानों से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के पास संसाधन वही है। जो भी खाद बीज का आवंटन होता है केंद्र से वो भरपूर मात्रा में हुआ इस साल भी, लेकिन पिछले 15 सालों में कभी भी किसानों को खाद की इतनी समस्या नहीं आई है जितनी इस बार आ रही है। केंद्र ने पर्याप्त मात्रा में प्रदेश को खाद उपलब्ध कराया था, पर इनकी रीति नीति और इनकी नियति ठीक नहीं थी भाइयों, तो ये किसानों तक वो खाद नहीं पहुंचा पाए और खाद की कालाबाजारी चालू हुई, और आज ये स्थिति है कि हमारे किसान भाई अपनी महिलाओं को तक लाइन में लगाते हैं, रात रात भर लाइन में खड़े हुए हैं, और सुबह जब खाद लेने की बारी आती है तो खाद मिलने की जगह प्रशासन द्वारा पुलिस के द्वारा उन पे डंडे बरसाए जाते हैं। और ये एक जगह की घटना नहीं है भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति बनी हुई है। मुझे समझ नहीं आता है कि इन्होंने चुनाव पहले जो वादे किए थे, जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और कुछ महीनों से तो मुझे ये लगता है कि जब से ये लोकसभा चुनाव हुआ है, जब से इस मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं, और यहाँ के किसानों ने, गरीबों ने, व्यापारियों ने, इस मध्य प्रदेश की जनता ने जब से इस भारतीय जनता पार्टी को चुना है और इस कांग्रेस को नकारा है, तब से तो ये मुझे लगता है बदले की भावना से, सिर्फ किसानों से बदला लेने के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लाइट वही है पर किसानों को लाइट उपलब्ध नहीं हो रही है, खाद पर्याप्त मात्रा में केंद्र से मिला पर ये किसानों तक खाद नहीं पहुंचा पा रहे हो। भाइयों, कुछ दिन पहले अति वर्षा के कारण पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में फसल अतिवृष्टि के कारण खराब हुई थी। जैसे ही सत्र चालू हुआ, मैंने स्वयं ने ये बात बताई कि हमारे यहाँ अतिवर्षा से जो नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए वो मध्य प्रदेश शासन तो कुछ कर नहीं रही है, ना ही उन्होंने जो झूठा वादा किया था कि हम किसानों का 2-2 लाख रुपए माफ करेंगे, ना तो किसी भी किसान का उन्होंने 2 लाख तक का कर्ज माफ किया, ना ही नौजवानों को जो उन्होंने भत्ता देने की बात कही थी वो भत्ता दिया। ऊपर से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, एक तो उसने 2 लाख रुपए का कर्ज माफ होगा इस उम्मीद में अपना केसीसी कार्ड नहीं भरा, और केसीसी कार्ड नहीं भरा तो सभी बैंकों में पूरे किसान डिफॉल्टर हो गए, तो उन्हें बैंक से भी कोई सहायता नहीं मिली। और ऊपर से इस मध्य प्रदेश सरकार ने जब अतिवृष्टि के कारण फसलें नुकसान हुई तो इन्होंने किसी भी तरह की कोई मदद देने का ना कोई घोषणा की और ना ही किसानों को किसी भी तरह की कोई मदद की। और ऊपर से जब खाद की और लाइट की बात आई तो ना ही किसानों को पर्याप्त मात्रा में लाइट मिल रही है और ना ही खाद मिल रही है। ऊपर से जो किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं, रात रात भर खड़े रहने के बाद भी सुबह उन्हें डंडे नसीब हो रहे हैं भाइयों। इस सरकार ने न नौजवानों का ध्यान रखा, न किसानों का ध्यान रखा,
न गरीबों का ध्यान रखा, सिर्फ अगर ध्यान रखा तो सिर्फ ट्रांसफर उद्योग बन के यहाँ चालू हुआ। आए दिन कर्मचारी अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है, उनके ट्रांसफर किए जा रहे हैं और सरेआम लूटमार मचा रखी है। जहाँ तक खनिज की अगर बात करें, अभी मेरे कई वरिष्ठ साथियों ने कहा कि पूरी तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है। जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक हैं, हर उस विधानसभा में अवैध उत्खनन खुलेआम चल रहा है भाइयों। और जहाँ प्रशासन कुछ करना चाहता है तो अभी दो दिन पहले की ही घटना है, जैसा अभी नरेंद्र भाई साहब ने बताया कि उन्हें बेखौफ होकर पुलिस प्रशासन को कभी प्रताड़ित करने से नहीं चूक रहे हो भाइयों। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश की सरकार को, इस कमलनाथ सरकार को हो क्या गया है। जितने वादे इन्होंने किए थे हमारे किसानों से, एक भी वादा पूरा तो नहीं किया। ऊपर से जितनी जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने चालू की थी, उन्हें सभी योजनाओं को इन्होंने पलीता दिखा दिया है। और आज किसान की बहुत ही बेकार स्थिति होती जा रही है भाइयों। कहीं से उसे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। और केंद्र सरकार से भी जो भी मदद दी जाती थी, उस मदद का भी पूरा पूरा लाभ हमारे किसान तक नहीं पहुंच रहा है भाइयों। केंद्र सरकार ने जितनी योजनाएं चला रखी है, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, जिसके तहत के हर किसान को 6,000 रुपये साल में मिलना चाहिए, लेकिन भाइयों इस मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक वो डाटा भी तैयार नहीं किया है, या वो डाटा वहां पर नहीं भेजा है कि हर किसान के खाते में वो 6,000 रुपये पहुंच सके। जितने आवास केंद्र ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए थे, इन्होंने कुछ आवास तो ये कहकर वापस कर दिए कि हमें इसकी अभी जरूरत नहीं हो। बड़े शर्म की बात है, जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि इस पूरे हिंदुस्तान में सारे प्रदेशों में एक भी गरीब ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना खुद का पक्का मकान ना हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि 2024 तक कैसे तो भी हर किसान की आय दुगनी की जाए, और हर तरह से वो प्रयास भी कर रहे हैं कि कैसे किसानों के गरीबों के जीवन में खुशहाली आए। पर ये मध्य प्रदेश सरकार सभी योजनाओं के फलीते दिखा रही है भाइयों। न इनकी नीयत साफ है और न ही इनकी नीति साफ है। लगातार खनन माफिया सक्रिय हैं और लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रशासन के साथ भी उनकी निगमबस्ती हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा खनन माफिया नहीं, कांग्रेस के माफिया सक्रिय हो रहे हैं, क्योंकि कितना शासन और प्रशासन का दुरुपयोग कर सकते हैं। खुलेआम वो लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, सिर्फ चुप्पी की बात नहीं है, ये पूरे लोकसभा में और मैं कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। और ये इस बात से सिद्ध होता है कि उनके स्वयं के नेता भी कई बार ये खुल के कह चुके हैं कि ट्रांसफर उद्योग चरम पर है, अवैध उत्खनन चरम पर है। हम लोग ही नहीं, हम तो विपक्ष में हैं तो हम तो कहेंगे ही, लेकिन उनके लोग भी स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि अवैध उत्खनन चरम पर है, ट्रांसफर उद्योग चरम पर है। कांग्रेस ने आज भारत बचाओ रैली रखी है, दिल्ली में उनका एक कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने फैसले हुए हैं, 2 सत्र अभी तक हुए हैं, आप सभी ने देखा है, उनमें ऐसे निर्णायक फैसले हुए हैं जो पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर हिंदुस्तानी को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, और ये कांग्रेस ही पूरे डर गए हैं कि अब इनकी धरती खिसक गई है, तो ये अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये रैली रखी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है, और हर हिंदुस्तानी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखा रहा है कि जिन चीज़ों का सपना हर हिंदुस्तानी ने 70 साल से देखा था, उनके वो सपने आज साकार हुए। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया बोला, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो व्यक्ति रहा हो, अगर उसे इतनी समझ नहीं है कि मैं अपने देश के बारे में क्या बोलूँ,
क्योंकि इस चीज़ की तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कम से कम देश के बारे में इस तरह के शब्द किसी इतनी बड़ी पार्टी का एक ऐसा व्यक्ति जो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो उसके मुँह से इस तरह के शब्द सुनना मुझे तो अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है किसी भी नौजवान को ये अच्छा नहीं लगेगा। खेत धरना नहीं, ये हम लोग चाहते थे लोगों में मैसेज जाए हम यहाँ के किसानों के साथ हैं और हम और आप सभी किसानों की तकलीफ़ों से वाकिफ़ हैं। आप स्वयं बताइए, आप तो मीडिया के भाई लोग आप बहुत पैनी नज़र रखते हैं, पिछले 10-12 साल में कभी इस तरह की कोई किल्लत खाद को लेकर नहीं आई थी। हम और आप ये सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में इनको खाद भी उपलब्ध कराया था, पर ये उसके बाद भी इनकी वितरण प्रणाली ऐसी रही तो उसमें कालाबाजारी हुई और ये खाद नहीं पहुंचा पाई। और इन्होंने मांग नहीं की थी, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने और सभी सांसदों ने जब मांग रखी तो इनको खाद और दी गई। लेकिन आज भी मैं आपसे कहता हूँ इनकी नीयत और नीति ही सही नहीं है। आज भी हमारा किसान आपने किसानों के हित को लेके आज धरना प्रदर्शन किया है, कार्यक्रम किया है, लेकिन यहाँ किसान तो कहीं नजर नहीं आ रहे। जो जिस संख्या में किसान होना चाहिए, मैं भी किसान, आप जमींदार हो, आप जमींदार हो, जागीरदार हो, किसान नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूं, जो किसान है वो किसान है। इस लोकसभा में 80% लोग कृषि पर निर्भर है। 80% लोग, चाहे कोई दुकान चला रहा हो, चाहे कोई सर्विस कर रहा हो, लेकिन बैकग्राउंड अधिकतर सभी की। आप यूरिया के लिए लाइन में लगते हैं क्या? आप खाद के लिए लाइन में लगते हैं क्या? मैं उन किसानों की बात कर रहा हूं जो लाइन में लगते हैं, वो आज आपके साथ नहीं है। अभी सभी किसान यहां लाइन में जो लगते हैं वो भी हैं, लेकिन आप कहें, आप और मैं ये भली भांति जानते हैं, जो गरीब है उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए दो रोटी कमाने के लिए अपने नित्य कर्म भी करने रहते हैं। कई किसान यहाँ आए हैं और मैं और यहाँ जितने लोग हैं अधिकतर लोग किसान ही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अपने इस लोकसभा के कम से कम मुझे जितना पता है 80% लोग खेती पर निर्भर हैं। तो इनमें से बल्कि आप चाटेंगे तो दो चार ही मिलेंगे जिन पर खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है। तो अधिकतर लोग यहाँ भी वही हैं जिनके यहाँ पर परंपरागत खेती आज भी होती है। स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक आपके साथ में मंच पर क्यों नहीं आए? मैं तो दिल्ली में कितनी बार मिला हूँ उनसे, यहाँ भी मिला हूँ, भोपाल में ही मिलता हूँ, क्षेत्र में हमेशा रहते हैं। कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है जिस कारण से वो नहीं आ पाए होंगे, मुझे खबर थी आने वाले थे, पर कोई कारण रहा होगा, पर आगे आप देखेंगे बिल्कुल हम सब साथ में हैं। अब हाल ही में आपका एक फ़ोटो शेयर हुआ है नरेंद्र मोदी को, आपने चंदेली की साड़ी भेंट की है, लेकिन शिवपुरी जिले की जो हालात हैं, लोकसभा संसद आपका क्षेत्र शिवपुरी भी आता है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है सही तरीके से, उसको उस मुद्दे पे कुछ आपको कुछ मिला? आपने दिया ही है, लिया तो कुछ अभी है नहीं। देखिए, मैं मिला भी बहुत कुछ है, हर चीज़ बताने से कई बार दिक्कतें आती हैं। जैसे गुना के लिए मेडिकल कॉलेज मिला था, आप सभी ने देखा था कि यहाँ से प्रदेश सरकार से अपने यहाँ से 11 कॉलेज स्वीकृत हुए थे और प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गई थी कि आप अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर हमें भेजें ताकि हम ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर सकें। केंद्र की ऐसी मंशा है कि 75 नए मेडिकल कॉलेज पूरे भारतवर्ष में नए खोले जाने चाहिए, जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेजों की ज़रूरत है। पर जैसे ही सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश सरकार आज भी गुना के मेडिकल कॉलेज के लिए अड़ंगा लगा रही है और उन्होंने लिख के दिया है कि हमें गुना में मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक प्राइवेट कॉलेज था, हम भविष्य में उसी को चालू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।